अबे बोलते हैं क्यों हिला डाला ना। अबे फिर से मर गया क्या, एक महीने से वीडियो नहीं डाली। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं स्पाइडरमैन की मूवी देख रहा था, वो भी पॉपकॉर्न खाते हुए। वैसे ऐसा नहीं है, मेरी एग्जाम से स्टार्ट हो गई थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता है कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता है। अच्छा, सो गेम में स्टार्ट हो गया लोन वुल्फ रैंक सीजन, और इसमें भी तुम लोगों को हीरोइक लगाना होगा, पर मैं तुम लोगों को आसानी से हीरोइक लगाने नहीं दूंगा, ऐसा गैरी ना फ्री फायर कहेगी, पर मैं तुम लोगों को बताऊंगा बाबा गोल मटोल झटपट लाल के टिप्स एंड ट्रिक्स। लोन वुल्फ रैंक में 1v1 और 2v2 दोनों मोड अवेलेबल है, पर मैं तुम लोगों को बताऊंगा 1v1 मोड्स के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि शेर अकेला ही आता है। हाँ, तो आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि लोग कैसे पहुंच जाते हैं आसानी से हीरोइक और ग्रैंड मास्टर, क्या उनकी मम्मी उन्हें कॉम्प्लेन दिलाती है और तुम्हारी मम्मी सिर्फ दूध, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल बात ये है कि वो लोग बेरोजगार हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक जोक था, कृपया इसे दिल पे ना ले, कहीं और ले। तो देखो असल बात तो ये है कि बहुत सारे लोग इससे पैसे भी कमाते हैं, यानी उनके पास रोजगार है और मैं बेरोजगार हूँ। तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। हाँ, तुम लोग जा सकते हो रे, बट तुम्हें उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ेगा एंड कुछ स्ट्रेटेजीज को भी फॉलो करना पड़ेगा जो कि काफी सारे लोग फॉलो करते हैं। तुम्हारी फर्स्ट टिप है कि ऑलवेज यूज यूनिक गन कॉम्बिनेशन, मतलब तुम्हें हमेशा एक ऐसी गन कॉम्बिनेशन यूज करना है जो कि कम बंदे यूज करते हो, जैसे डबल फार्मस एंड उसके साथ यूजी। फार्मस तो बस दिखाने के लिए, हमें तो यूजी का यूज करना है। तुम लोग वेट कर सकते हो जब तक एनिमी क्रश नहीं करता खुद से, या तो जोन श्रिंक नहीं होता है तब तक तुम लोग वेट कर सकते हो, एंड जब जोन थोड़ा छोटा हो जाए तब तुम यूजी गन का यूज कर सकते हो क्योंकि ये एक शॉर्ट रेंज गन है। और एक और कॉम्बिनेशन है जो कि तुम यूजी गन के साथ यूज कर सकते हो, डबल ऑम को यूज कर सकते हो, डबल स्नाइपर यूज कर सकते हो, क्योंकि अपडेट के बाद डबल स्नाइपर को चलाना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, तो उसके साथ अगर तुम यूजी यूज करोगे तो हो सकता है कि तुम लोगों को एडवांटेज मिल जाए। अब मैं तुम लोगों को इसका एक परफेक्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। अब इस क्लिप में देखो, मैंने इस बंदे को बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया है, बट वो फार्मस चलाने वाला, तो उसने अपने आप को ग्लू वॉल में पैक कर लिया है, एंड यहाँ से वो थोड़ा बहुत दिख रहा था इसलिए मैंने उसे यूजी से बहुत ज्यादा डैमेज दिया। एंड देखो फार्मस तो बस दिखाने के लिए है, हम यूज सिर्फ यूजी करने वाले हैं, एंड उसने अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी, उसने ग्लू वॉल फोड़ना चालू कर दिया, एंड जैसे वो बाहर निकला मैंने उसे खत्म कर दिया। तो ये एडवांटेज मिलेगा यूनिक गन कॉम्बिनेशन में, एंड यही सेम चीज आप AWM के साथ भी कर सकते हो, कोई भी स्नाइपर के साथ कर सकते हो, क्योंकि स्नाइपर अपडेट के बाद बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई चलाना, एंड स्नाइपर के साथ अगर एक कॉम्बिनेशन रखोगे आप मिनी यूजी का, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो हमारी सेकेंड टिप ये है कि हमारे एनिमी के डिसएडवांटेज को हमें अपना एडवांटेज बनाना है, और वो कैसे तुम लोगों को इस क्लिप में पता चलेगा। देखो एनिमी नीचे था एंड मैंने हाइट का एडवांटेज लेते हुए उसे इजीली हेडशॉट दे दिया। आप लोग एक तरीके से और एनिमी के डिसएडवांटेज को अपना एडवांटेज बना सकते हो, वो कैसे आप लोगों को पता होगा, लोन वुल्फ रैंक में अभी ऐसा सिस्टम चल रहा है कि एक बार आपका एनिमी गन सेलेक्ट करेगा और एक बार आप लोग गन सेलेक्ट करोगे, तो जब आपका टर्न आया तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक ऐसी गन सेलेक्ट करनी है जो आपसे अच्छा कोई चला ही नहीं सकता है, मतलब जिसकी आप ट्रेनिंग करते रहते हो उसी गन को आपको सेलेक्ट करना है। एंड जो सेकेंड गन है वो है M187, क्योंकि ये जो गन है ना हर एक बंदा चलाता है, तो यार एनिमी जरूर से ये गन तो लेगा ही, एंड उसको चलाते भी आती होगी, तो ये वाली गन अगर आप पहले राउंड में ले लोगे और आप लोगों के जिस गन में भी एडवांटेज है उससे अगर सामने वाले एनिमी को मार देते हो तो नेक्स्ट राउंड में वो गन एनिमी नहीं ले पाएगा और ये डिसएडवांटेज आपका एडवांटेज बन जाएगा। तो आई होप यार ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आई होगी, मैं इसे एक और एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो मैं एनिमी हूँ तुम्हारा, है ना, और मुझे M187 चलाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोग UMP बहुत अच्छी चला लेते हो, तुम लोगों ने फर्स्ट राउंड में UMP और M187 ले लिया, एंड मुझे लॉन्ग रेंज से UMP से बहुत तगड़ा वाला हेडशॉट कर दिया, तो मैं अब नेक्स्ट राउंड में M187 नहीं ले पाऊंगा, एंड ये एडवांटेज तुमको मिलेगा। तो हमारी जो थर्ड टिप है वो ये है कि ऑलवेज यूज फ्लैश फ्रीज वाइल परफेक्ट टाइमिंग। तो देखो यार, मैंने बहुत सारे बंदे लोगों को देखा है जो कि यार फ्लैश फ्रीज को जब मैच स्टार्ट होता है, जब राउंड स्टार्ट होता है तभी यूज कर लेते हैं, एंड ये बहुत गलत चीज़ है। आप लोगों को क्या करना चाहिए, जब जोन श्रिंक होता है, जब जोन थोड़ा छोटा होने लगता है तब आप लोगों को यूज करना चाहिए इसका, या तो तब आप लोगों को इसका यूज करना चाहिए जब आप लोगों ने एनिमी को डैमेज दे दिया है, एंड या तो उसने ग्लू वॉल लगा ली है या तो वो किसी कवर में चले गया है, तो आप लोगों को तब इसका यूज करना चाहिए।
तो देखो इस चीज को मैं तुम्हें एक क्लिप से समझाता हूँ। यहाँ पर देखो एनिमी सामने है, मुझे पता है, तो मैंने क्या करा, फ्लैश फ्रीज को कुक करना स्टार्ट करा और उसके ऊपर थ्रो कर दिया, तो एनिमी को बहुत ज्यादा डैमेज भी पड़ गया एंड अब मुझे एडवांटेज मिलेगा क्योंकि एनिमी की एचपी बहुत ज्यादा लो है, तो मैं उसके ऊपर रश भी कर सकता हूँ। तो इस चीज का एडवांटेज आप लोगों को तब मिलेगा जब आप लोग फ्लैश फ्रीज को परफेक्ट टाइमिंग में यूज करोगे, जब जोन थोड़ा श्रिंक हो जाए, जब बंदा थोड़ा पास आ जाए, एनिमी थोड़ा क्लोज में हो, तभी आप लोग इसका यूज करो कवर में हो, तो मतलब आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, एनिमी को भी डैमेज पड़ेगा एंड आप लोग तब रश कर सकते हो उसके ऊपर एंड इजीली वो राउंड निकाल सकते हो। तो हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, मतलब आप लोगों लोन वुल्फ के लिए कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए जब आप 1v1 फाइट ले रहे हो। तो देखो सबसे बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में ज़्यादातर तीन कैरेक्टर सामने निकल के आते हैं, जो कि फर्स्ट है हमारा आलोक, सेकंड हमारा वोकॉन्ग कैरेक्टर है एंड थर्ड आप लोग स्काइलर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब आप एनिमी को डैमेज देते हो तो वो ग्लूबॉल लगा देता है एंड स्काइलर मिनटों में आपकी ग्लूबॉल को तोड़ देता है, मिनटों में नहीं चुटकियों में तोड़ देता है। और रही बात पैसिव स्किल्स की, तो आप लोगों को मैक्सिम की एबिलिटी यूज़ करनी चाहिए, कैली की एबिलिटी यूज़ करनी चाहिए और साथ में आप एंटोनियो की एबिलिटी भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो आप लोगों को एक्स्ट्रा एचपी प्रोवाइड करता है जो कि आप लोगों को एडवांटेज देगा, क्योंकि एनिमी के पास सिर्फ 200 एचपी होगी और आप लोगों के पास 200 से ज़्यादा एचपी होगी तो आप लोगों को एडवांटेज मिलेगा। और रही बात अगर आप लोग एक रश गेम प्ले करना चाहते हो तो आप लोगों को स्पीड चाहिए और स्पीड के लिए कैली कैरेक्टर, जोसेफ कैरेक्टर और आलोक कैरेक्टर बेस्ट कैरेक्टर है, इन कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को आप यूज़ कर सकते हो एंड एक स्किल में आप लोग मोगो के स्किल को यूज़ कर सकते हो जो एनिमी को स्पॉट करेगा। और अगर आप लोग जोटा कैरेक्टर या लुकेटा कैरेक्टर की स्किल को लोन वुल्फ में यूज़ करते हो तो इसका आपको ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि लुकेटा कैरेक्टर आप लोगों को पर किल के साथ एक्स्ट्रा एचपी का स्लॉट देगा, मतलब वो एचपी फुल तो नहीं करेगा बट लुकेटा कैरेक्टर आप लोगों को एचपी फुल करके देगा, बट 1v1 में तो इसका कुछ काम ही नहीं होगा क्योंकि सामने एक ही प्लेयर होगा। और यही सेम स्किल आप लोग अगर डुओ लोन वुल्फ में यूज करते हो तो ये आप लोगों को थोड़ा बहुत एडवांटेज देगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट लेस्ट टिप के बारे में, जो कि है हमारे फोर्थ राउंड के बारे में, मतलब जब 4-4 इक्वल राउंड हो जाता है तब बहुत ही ज्यादा इंटेंस सिचुएशन बन जाती है। तो आप लोगों को क्या करना है फोर्थ राउंड में, आप लोगों को ऑलवेज एक हाई डैमेज गन लेना है जिसका डैमेज बहुत ज़्यादा हो। आप लोग शॉर्ट गन में M1887 या M1014 ले सकते हो एंड अगर आप लोग AR गन में लेना चाहते हो तो ड्रैगनो बेस्ट गन है एंड अगर आप लोगों को ड्रैगनो चलाते आती है तो इससे अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि वो एक हाई डैमेज गन है एंड आप लोग उसका यूज़ कर सकते हो फोर्थ राउंड में एंड हो सके जितना पॉसिबल हो आप लोगों को फोर्थ राउंड में एनिमी से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखना है। सो या अब बात कर लेते हैं हमारे बोनस टिप के बारे में। हमारा बोनस टिप है पेट स्किल से रिलेटेड, हमारे पेट की स्किल कुछ ऐसी होनी चाहिए जो हमें 1v1 मैच में एडवांटेज दे, हमें हेल्प करे। तो आप लोग ऐसे में यूज़ कर सकते हो रॉकी पेट की स्किल को, जो हमारे एक्टिव कैरेक्टर की स्किल को बहुत जल्दी चार्ज करता है, बट आप लोगों को उसमें कैरेक्टर भी ऐसा लेना पड़ेगा जो कि जल्दी चार्ज हो, मतलब अगर आप लोग वुकॉन्ग कैरेक्टर लेते हो तो उसका टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा है तो आप लोगों का जो एडवांटेज है वो कम मिलेगा, बट अगर आप लोग आलोक कैरेक्टर लेते हो या स्काइलर कैरेक्टर लेते हो तो उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, बट अगर आप लोग क्रोनो कैरेक्टर लेते हो तो उसका तो आप लोगों को टाइमिंग पता ही है बहुत ज़्यादा है, जिसको चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एंड हो सकता है कि लोन वुल्फ के एक मैच में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार उसे यूज़ कर पाओगे। सो या आज की इस वीडियो में इतना काफी होगा, होप यू एंजॉयड द वीडियो, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी, हाहा।